बाइक को पहली नजर में देखने के बाद आपको यही लगा होगा कि ये कोई सुपर बाइक है जिसमें 1000 सीसी का इंजन दिया गया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जॉन्टेस की X350 है। नाम से ही पता चल रहा है कि 350 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, तो ये आपके बजट में भी आने वाली है और इसमें कई सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की बाइक में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन आपके जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये जॉन्टेस कौन सी कंपनी है, ये बाइक कैसी है, कितना माइलेज देगी, क्या खास फीचर है और इसकी कीमत क्या है, तो आपके सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस सेगमेंट में दूंगा। मैं हूं सुधा मिश्रा और आप देख रहे हैं NBT लाइव। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी की कैसी है, तो ये देखिए ऐसी की है इसमें, यानी इसमें आपको कोई भी की लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक स्मार्ट की है तो इसको आपको सिर्फ अपने पॉकेट में बैग में कहीं भी रखना है। ये देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी की लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसे आपको रखना है अपने पॉकेट में बैग में कहीं भी, और उसके बाद सिर्फ इतना काम करना है आपको ये रेड बटन दबाना है, कुछ सेकंड तक बाइक ऑन हो जाएगी। अब आपका सवाल यह होगा कि अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, लो है, तो क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस की को यहाँ पर लेकर आना है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेंसर है, यहाँ लगाना है और रेड कलर का ये जो बटन है इसको दबाना है। कुछ सेकंड दबाने के बाद ये देखिए बाइक ऑन हो गई। तो ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है कि चाबी लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसे आपको अपने पास रखना है और अगर इसका बैटरी कम है तो सामने यहाँ पर सेंसर पर लगाइए, वरना तो फिर ये भी लगाने की जरूरत नहीं, वो जो रेड कलर का बटन दिया है इसे दबाना है बस। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है। यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स दिए गए हैं ये, और ये लाइट हाई बीम लो बीम, ये डिपर के लिए दिया गया है, ये हजार्ड लाइट के लिए दिया गया है और ये हॉर्न दिया गया है। यहाँ पर चलेंगे तो इंजन किल स्विच दिया गया है, यहाँ पर ये पावर बटन दिया गया है और ये लाइट का दिया गया है। अब यहाँ पर कई सारे और बटन भी मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए तीन बटन अलग मिल रहे हैं, यहाँ पर ये दो अलग बटन मिल रहे हैं और ये मोड है, ये मोड का बटन है, इसमें दो मोड मिलते हैं। ये देखिए स्पोर्ट्स मोड और इको मोड, ये दबाए ये देखिए स्पोर्ट्स हो गया, ये इको हो गया। तो इसको मैं आगे आपको राइड एक्सपीरियंस में बताऊंगा कि दोनों मोड में क्या अंतर आता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो बटन दिए गए हैं भाई इनका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो आपको यहाँ बटन दिख रहा है इसमें फ्यूल लिखा है, तो फ्यूल का मतलब क्या है कि जो इस बाइक में 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है उसका फ्यूल फिलर कैप कैसे खुलता है, ये देखिए आपको सिर्फ ये बटन दबाना है। कमाल की बात है ना, फिर से एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आपको ये बटन दबाना है और ये देखिए ये फ्यूल फिलर कैप खुल गया। तो ये जो बटन है ये इसके लिए है, जो सीट आप खुलते हैं क्योंकि अब इसमें चाबी लगाने का सिस्टम ही खत्म हो गया है, तो ये सीट दबाएंगे जैसे ये देखिए पीछे की सीट खुल गई और आप इसे ओपन कर दीजिए। तो फिर से आपको दिखाता हूँ एक बार कि कैसे काम करता है, वहां पर ये देखिए बटन दबाए और ये देखिए खुल गया और इसे लगा देना है, यानी सीट और फ्यूल फिलर के लिए आपको यहाँ पर दो अलग अलग बटन मिल रहे हैं। यहाँ पर भी एक बटन दिया गया, ये देखिए ये, अब आप कहेंगे इससे क्या होगा, ये देखिए ये बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, जैसे आप इसके बटन को दबाएंगे विंडशील्ड जो इसकी है वो ऊपर हो जाएगी और फिर दबाएंगे तो नीचे हो जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतर फीचर मिल रहा है इसमें आपको, जो कि अमूमन इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं मिलता है। अब फ्रंट से आपको इसका लुक दिखा देता हूं, तो यहां पर आपको देखिए ये DRL दिए गए हैं लाइट, ये जो देख रहे हैं DRL ये तब के लिए है जब बाइक बंद है ये लाइट ऑन रहेगी, जैसे अंधेरे वगैरह में अगर आपने बाइक ऑन कर दिया तो ये लाइट आपको मिलती रहेगी। जब बाइक ऑन हो जाएगी तो ये जो DRL दो साइड दिए गए हैं ये भी ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, वो काम करता है हाई बीम और लो बीम दोनों का ऑप्शन आपको इसी में मिलता है। फ्रंट की बात करें तो सामने आपको 17 इंच का व्हील मिलता है और इसमें 120 सेक्शंस का टायर दिया गया है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर ABS का ऑप्शन मिलता है, डिस्क ब्रेक दिया गया। पीछे की तरफ अगर बात करें तो पीछे में आपको 17 इंच का ही व्हील मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 160 सेक्शन का टायर मिलता है। पीछे भी आपको ABS फीचर मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो पीछे मोनोशॉक दिया गया है, यहाँ पर डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। ऊपर की तरफ ये है, तो इससे खासियत ये है कि जिन जगहों पर पानी ज्यादा लगा होगा वो पानी इसमें जाएगा नहीं, तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो देखिए ऊपर की तरफ है, बहुत ही छोटा है पर बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर इसका इंजन दिया गया है और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो इंडिकेटर बाहर की तरफ नहीं निकला है तो टूटने उठने का खतरा बिल्कुल खत्म है। ओवरऑल ये है जॉन्टेस की यहाँ पर बैजिंग दी गई है और ये यहाँ पर फ्यूल कैप दिया गया है और यहाँ पर स्क्रीन दी गई है। ये जो बटन है वो मोड है स्क्रीन का, इसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा।
तो ओवरऑल बाइक को एक बार आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये बाइक देखने में कैसी है। सीट की बात करें तो ये जो इसकी सीट है वो क्योंकि एक टूरिंग बाइक है तो इसका जो कंफर्ट लेवल है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही चौड़ी सीट है, तो अगर आप बैठ के इसे चलाएंगे काफी दूर तक तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। पिलियन के लिए भी जो सीट दी गई है वो भी काफी कंफर्टेबल है और उसमें भी अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। ग्रैब रील जो है वो काफी मजबूत दिया गया है तो अगर आप पकड़ेंगे तो आपको एक बेहतर पकड़ मिलेगी। यहाँ से देखने में राइडर के तौर पर आपको कुछ ऐसा ये बाइक देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा है। अब बात करते हैं बाइक के दिल की यानी इसके इंजन की, तो इसमें आपको 348 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है। लिक्विड कूल से ये पता चल जाता है कि ये बाइक एक हाई परफॉर्मेंस बाइक है। इसमें आपको 39 हॉर्स पावर का मैक्सिमम पावर मिलता है और 33 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क जनरेट करती है। 6 स्पीड इसमें गियरबॉक्स मिलता है। ये तो थी टेक्निकल बातें, यानी इसको अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इस बाइक को जब मैं लेकर चला रहा था तो 128 से 130 की स्पीड मैंने इसमें अचीव की है और आराम से समझ में आ रहा था कि ये बाइक 140 से 150 की स्पीड पे आराम से पहुंच जाती है। ये बाइक एक टूरिंग बाइक है और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि जब दो लोग भी इस पर बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक कहीं वाइब्रेट कर रही है। एक्सपर्ट होगा कोई वही पता लगा पाएगा कि बाइक में हल्का सा वाइब्रेशन आता है, लेकिन अगर आप उतना टेक्निकल टर्म में नहीं फैमिलियर है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक में कोई वाइब्रेशन भी है। पिकअप इसका बहुत अच्छा है, सिटी विटी में ट्रैफिक जाम में आपको इसको चलाने में बिल्कुल मजा आएगा। बाइक तुरंत पिकअप ले लेती है, जब आप थ्रॉटल देंगे तो मजा आता है, खाली जगह पर भी चलाएंगे तब तो अलग ही मजा आने वाला है। इस बाइक की जो मुझे खासियत लगी वो ये कि सिर्फ एक पर्सन के लिए बाइक नहीं है, जो सामने बैठा है और जो पीछे बैठा है दोनों के लिए ये बाइक एक कंफर्टेबल बाइक है। गियर की बात करूँ तो गियर मुझे बीच में लगा कि कहीं ये फंस रही है, 3 से 5 आने में मुझे थोड़ा सा या 5 से 3 आने में मुझे कहीं ना कहीं ये फंसती हुई नजर आई, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर मॉडल का प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल ऐसा नहीं है क्योंकि अगर इसे और थोड़ा बेहतर तरीके से ट्यून किया जाए तो गियर बॉक्स का मुझे कोई बहुत ज़्यादा इश्यू लग नहीं रहा है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, बाइक चलने में स्मूथ है, इंजन को रिफाइन किया है, वाइब्रेशन है, लेकिन उन्हीं को पता चलेगा जो काफ़ी टेक्निकल टर्म से फैमिलियर हैं, जो बाइक काफ़ी चला चुके हैं वही पता लगा पाएंगे कि इसमें वाइब्रेशन हल्की सी आती है। स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है, 140 से 150 तक की स्पीड आराम से छू लेगी। सिटी में भी इसको चलाने में आपको बहुत मजा आएगा। तो बाइक पर बैठ जाता हूँ और बताता हूँ कि पहले बाइक बैठने में कैसी है। तो इस पर बैठ गए, इसकी जो सीट हाइट है वो 795 मिलीमीटर है। ये तो एक टेक्निकल बात हो गई, आपको समझा देता हूँ। मेरी जो हाइट है वो 511 है और ये बाइक कुछ इस कदर ऊँची है कि आपका पैर दिखे, मेरा टो यहाँ तो पहुँच जा रहा है लेकिन पूरा पैर यहाँ पर ऐसे नहीं जा रहा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आपकी हाइट 5'7" से ऊपर है तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी सी कम है तो इस्तेमाल करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कैसी है, लेकिन मेरी 5'11" है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा। और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी हाइट क्या है और आपके हिसाब से ऊंचाई के हिसाब से ये कैसी रहेगी। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 152 मिलीमीटर है, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं है, यानी अगर आप इसको बहुत ही मुश्किल रोड पर लेके जाएंगे तो हो सकता है कि नीचे से थोड़ा सा हिट कर जाए, लेकिन अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं, सिटी में चल रहे हैं तो उतना कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बताऊं कि इसमें आपको पोस्चर कैसा मिलता है, तो ये देखिए कुछ आपको ऐसा ही पोस्चर मिलेगा, काफ़ी बैलेंस पोस्चर है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही एग्रेसिव है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ढीला है। आप इसे लेकर, ये टूरिंग बाइक है तो इसे लेकर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इसे लेकर मथुरा तक आराम से जाइए, आपको कहीं भी थकान महसूस नहीं होगी। ऋषिकेश लेकर चले जाइए, आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इसका जो वजन है वो 185 किलोग्राम है, लेकिन कहीं से भी ये बाइक भारी बिल्कुल नहीं लगती है। बल्कि जब मैं इसे चला रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि 165 किलोग्राम हो, तो बाद में पता चला कि 185 किलोग्राम इसका वजन है, तो बाइक बिल्कुल भारी नहीं लगती, थोड़ी सी ऊंची है जो कि टूरिंग बाइक असल में होती है। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ जो मैं पहले दिखाना भूल गया था कि स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको USB केबल के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप लगा दीजिए और अपने स्मार्टफोन को फिर आप चार्ज कीजिए। इस बाइक की सबसे बेस्ट चीज मुझे इसका सस्पेंशन लगा, सामने USD सस्पेंशन दिया गया है, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया। सस्पेंशन इतना बेहतर काम करता है कि इस बाइक का जो राइड एक्सपीरियंस है वो कमाल का। एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मतलब इस बाइक का जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ही कमाल का है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ये देखिए पूरा जो इसका सस्पेंशन है वो बहुत ही बेहतर काम करता है। और ये चीज बहुत ही मजेदार लग रही थी कि 80 की स्पीड में जब आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो वो जो आपको एक सस्पेंशन का सपोर्ट मिलना चाहिए वो इसमें बहुत ही बेहतर मिलता है। बाइक इतनी भारी है लेकिन इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ही बेहतर है।
ब्रेक भी जो इसका है वो बहुत बेहतर है, आगे और पीछे दोनों आपको ABS फीचर मिलता है, बहुत ही बेहतर बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि ब्रेक लगाने में बाइक स्लिप हो सकती है, गिर सकती है, इवन बाइक थोड़ी सी भारी है लेकिन जब आप इसको मोड़ेंगे तो उतनी शार्प टर्न तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि भाई टूरिंग बाइक है बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। मोड़ने में भी ये बाइक बहुत ही बेहतर है, ब्रेक और सस्पेंशन इसके सबसे बेस्ट मुझे लगे, इसका इंजन भी बहुत बेहतर लगा। जब आप इसको लॉन्ग राइड पर लेकर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बाइक कुछ अपने आप में बिल्कुल अलग है, पीछे बैठने वाले को भी थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है। लॉन्ग राइड के लिए ये बाइक एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जॉन्टस 350X को आप तीन कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं, ये बाइक सिर्फ एक वेरिएंट में आती है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत 3,35,000 रुपए से शुरू होती है जब 3,45,000 रुपए तक जाती है। तो हमने इस सेगमेंट में आपको इस बाइक के परफॉर्मेंस, राइड एक्सपीरियंस और इसकी खासियतों के बारे में बताया। आपको इस बाइक का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए NBT Live।